मिर्ची बॉलीवुड रोल। तो सुयश, आज थोड़े से सीन में काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आईपैड में आप लोग कुछ देख रहे हैं जिससे आप सारे शॉक हो गए, तो क्या देख रहे थे ऐसा? एक्चुअली मेरी जो सीनियर जूनियर मैनेजर है रॉबर्ट टेक्सटाइल्स की, उसने मुझ पर एलिगेशन लगाए कि मैंने उसको अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की है, एंड जो कि फॉल्स है क्योंकि उसने मेरी चाय में कुछ मिलाया था, मुझे बेहोश कर दिया था। और जब मैं उठा तो पूरी पब्लिक मेरे सामने थी, ऑफिस के पूरे कलीग स्टाफ सामने था, और वही अब उसने जाके मीडिया में बोल दिया कि मैंने ऐसे कोशिश की है करने की, जो कि बिल्कुल इरिटेटिंग और सुयश के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही साथ फाल्गुनी ने स्टेटमेंट दी है कि आप जिस पे शक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी ऐसा था ही नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि हमेशा वो लड़कियों की इज्जत करता आया अभी तक। लेकिन अब 7 साल बाद फाल्गुनी से मेरी बात नहीं हुई और 7 साल बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिए, तो थोड़ा और ज़्यादा शॉक में आ गया सुयश कि ये स्टेटमेंट 7 साल बाद वो कैसे दे रही है। तो चलो, वो तो उन्होंने जो भी कहा वो तो हित में है आपको, लेकिन फिर भी लोग शायद गलत समझ रहे हैं। और आप? हाँ, मैंने यही बोला कि उस लड़की की जो सच्चाई है मैं सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसने एकदम झूठ बोला है और जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वही कोशिश है कि वो सच बोल दे सबके सामने तो बेटर होगा। तो लेकिन क्या कारण है जो भावना ऐसे कर रही है? मुझे नहीं पता, क्योंकि आई थिंक वो लोन मांगने आई थी ऑफिस में मुझसे, एडवांस मांगने आई थी, वो मैंने जिसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे सुयश को अब 7 साल बाद जो है वो रूथलेस हो चुके हैं बिल्कुल, और उसको ये मानना कि गरीबों की को गरीबों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, तो उसने उससे लोन में देने से मना कर दिया था, और फाइनली उसने शायद बदला लिया है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह से आपने धमकी दी है वो सुयश पहले नहीं करता था कि बिल्कुल भी नहीं था वो सुयश, क्योंकि सुयश पहले एकदम राम था और अभी एकदम मतलब ही हो गया, मतलब अपने काम से काम रखने वाला हो गया, उसे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपना काम करना है, और छोटी छोटी चीज़ों पर बातों पर रिएक्ट करने लगा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो लास्टली, जैसे जो स्टेटमेंट दिया है फाल्गुनी ने, और आपकी तरफ से तो कोई जवाब उनको नहीं? एक्चुअली मैं जवाब देने उन्हें जाऊंगा अभी, और राधा जी की पोल जाने वाला हूँ 7 साल बाद, तो देखता हूँ उन्हें क्या जवाब देने वाला हूँ, और 7 साल बाद उनका और मेरा बातचीत होगी। आमना सामना हो चुका है लेकिन बातचीत अभी होगी। पहले मैं अब मैं बताऊंगा बाद में क्या होगा। He's so natural. Yes, he's natural. You know, अभी वो नीचे थोड़ा।